हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। देखिए, जैसा कि आपको पता, आज फ्राइडे और फ्राइडे को हमारा होने वाला है टेस्ट। ठीक है, आपने टेस्ट की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की होगी। और टेस्ट में जैसे कि जो कुछ पढ़ा दिया जाता था पिछली क्लासों में, उसके बारे में टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट की तैयारी करते हैं और शुरू करते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है अपना, अकबर ने प्रताप को समझाने समझाने मतलब अपने अधीन में लाने के लिए शाहबाज खान को कितनी बार भेजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, एक बार, बी दो बार, से तीन बार, और ऑप्शन नंबर डी में है चार बार। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए किस व्यक्ति को, शाहबाज खान को, कितनी बार भेजा था। ठीक है, ये कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है और आपके सिलेबस में भी दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। ए में एक, दो, तीन और चार, कितने बार भेजा था। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद में शाहबाज खान को प्रताप के विरुद्ध भेजा था, और इस शाहबाज खान को तीन बार भेजा था, 1577, 78 और 1580 में। ठीक है, लेकिन तीनों बार यह विफल रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है द्वेर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है हल्दीघाटी युद्ध, ऑप्शन नंबर सी में खमनौर का युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी है असीरगढ़। तो कमेंट कीजिए और राइट आंसर बताइए। पूछा क्या, अकबर का अंतिम अभियान, अकबर ने अंतिम बार कौन सा युद्ध किया था। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं द्वेर का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध, खमनौर युद्ध और असीरगढ़ का युद्ध। कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, मैंने बताया था कि सबसे पहले जो युद्ध हुआ था प्रताप से 1576 में, ये तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद द्वेर का युद्ध हुआ था 1582 में। ठीक है, खमनौर का युद्ध प्रताप से नहीं हुआ था। ठीक है, और असीरगढ़ जो अभियान था ये अकबर का 1601 में था, और असीरगढ़ के बाद में 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी असीरगढ़ अभियान सन 1601 में अकबर का अंतिम अभियान था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की थर्मोपली थर्मोपल्ली किस युद्ध को
कहा गया था? ऑप्शन देखिए, द्वारका युद्ध, बी हल्दीघाटी युद्ध, सी खमनौर युद्ध और डी कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, जल्दी कीजिए। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस युद्ध को कहा गया है? द्वारका युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध या खमनौर का युद्ध? तो देखिए, मैंने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि द्वारका युद्ध हुआ था 1582 में। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉम ने मेवाड़ का मैराथन कहा था, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध हुआ था 1576 में और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉम ने कहा था मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो हमको आंसर मिल गया कि हल्दीघाटी युद्ध को किस नाम से जाना गया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से जाना गया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा गया? ऑप्शन नंबर ए मालदेव, बी कल्याणमल, सी चंद्रसेन और डी में है उदय सिंह। देखिए पूछा क्या है, मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा गया? ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद ही होगा, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा गया था? ए मालदेव, दूसरा कल्याणमल, तीसरा चंद्रसेन या उदय सिंह, इनमें से कौन था? देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, मालदेव। मालदेव कहां का शासक था? जोधपुर का शासक था, इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, और मालदेव के सेनापति जैतागोपा, वो युद्ध के बारे में बताया था, लेकिन ये प्रताप का अग्रगामी नहीं था। कल्याणमल ये बीकानेर का शासक था। ठीक है, अगला चंद्रसेन, और चंद्रसेन के बारे में मैंने बताया कि ये चंद्रसेन मालदेव का पुत्र था, यानी कि मालदेव के तीन पुत्र थे, राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में चंद्रसेन कौन था? मालदेव के तीन पुत्रों में से एक था, यानी मालदेव के तीन पुत्र थे राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। इस चंद्रसेन को ही प्रताप का अग्रगामी कहा गया क्योंकि इसने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जबकि ऑप्शन नंबर डी में जो उदय सिंह दे रखा है यह अकबर के नागौर दरबार में पहुंच चुका था और अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र सेन को प्रताप का अग्रगामी कहा गया था इतिहास के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अमर सिंह ने अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी कब बनाया था? ऑप्शन नंबर ए 1573, बी 1572, सी
1672 और डी में है 1673। देखिए इजी सा क्वेश्चन है, अकबर ने राज सिंह को जोधपुर का अधिकारी कब नियुक्त किया? आपको बता दिए, जल्दी कीजिए, राइट आंसर क्या होगा, 1573, 72, 1672 या 1673। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1572 में, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बनाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए जूना खां, दूसरा है अकबर, ऑप्शन नंबर सी में राय सिंह और डी में है कल्याणमल। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। पूछा क्या है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, बताइए। देखिए जूनागढ़ दुर्ग है कहां पे, बीकानेर में, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, राय सिंह ने, राइट आंसर क्या होगा, राय सिंह, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राय सिंह कौन था, अकबर ने खुश होकर के जूनागढ़ दुर्ग अकबर ने दिया था किसको, राय सिंह को, और इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और यहां एक प्रशस्ति लगवाई जिसको कहा गया था राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। तो आंसर मिल गया, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, राय सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि किसे प्रदान की, ऑप्शन नंबर ए चूड़ामन, बी बदन सिंह, ऑप्शन सी में अमर सिंह और डी में है कोई नहीं। जल्दी कीजिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि किसे दी, पूछा है ब्रजराज की उपाधि से सम्मानित किसे किया था, ऑप्शन नंबर ए में है चूड़ामन। तो देखिए सवाई जयसिंह जयपुर का शासक था, इस सवाई जयसिंह ने कछवाहा वंश की राजधानी किसको बनाया था, जयपुर को बनाया था आमेर की जगह। चूड़ामन कौन था, यानी कि मुगल बादशाह के समय भरतपुर रियासत में इसने विद्रोह कर रखा था, किसने, चूड़ामन ने। इस चूड़ामन के विद्रोह को दबाने के लिए मुगल शासक ने सवाई जयसिंह को भेजा कहां, भरतपुर, और सवाई जयसिंह ने क्या किया कि चूड़ामन के भतीजे जिसका नाम था बदन सिंह, ठीक है, इस बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया, किसने, सवाई जयसिंह ने, और सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को उपाधि दी थी ब्रजराज की उपाधि और डीग की जागीर भी प्रदान की थी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को प्रदान की गई थी। आठवां क्वेश्चन अपना कौन सा है, सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी
बनारस से दिल्ली और डी में है आगरा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है, सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण कहां नहीं करवाया, ठीक है ना, ये पूछा है वो स्थान कौन सा है जहां सौर वेधशाला का निर्माण नहीं किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि सवाई जयसिंह ने कुल 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है, उनमें कौन कौन सी थी, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, तो ऑप्शन नंबर ए में मथुरा में है, ये बनारस में है, दिल्ली में है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आगरा में सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में है सवाई जयसिंह और अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी में है जयसिंह और अकबर, ऑप्शन नंबर सी जयसिंह और शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी में है अमर सिंह द्वितीय और अकबर, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। और पूछा क्या है, देवारी समझौता किस किस के मध्य में हुआ था, तो कमेंट में राइट आंसर बताइए क्या है। देखिए जब अमर सिंह राठौड़ और सवाई जयसिंह, आपको मैंने पढ़ाए थे तब बताया था कि अमर सिंह, देखिए जब अमर सिंह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी थी कि यदि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री किसे चंद्र कुमारी से शादी करे और उसका होने वाला पुत्र ही उत्तराधिकारी बने, ठीक है, तो सवाई जयसिंह ने शादी कर ली और यही समझौता किस नाम से कहलाया, देवारी समझौता के नाम से जाना गया, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देवारी समझौता किस किस के मध्य हुआ, सवाई जयसिंह और अमर सिंह द्वितीय के मध्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, जसवंत सिंह के पिता का, जसवंत सिंह के पिता का क्या नाम था, ऑप्शन नंबर ए में है अमर सिंह, बी अचल सिंह, ऑप्शन नंबर सी में गज सिंह, और डी में है कल्याणमल। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। पूछा क्या है, जसवंत सिंह के पिता का नाम, तो देखिए जसवंत सिंह ये अमर सिंह का पुत्र था नहीं, क्योंकि जसवंत सिंह कौन था, जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक या जोधपुर के शासक गज सिंह का पुत्र था, यानी गज सिंह के 3 पुत्र थे, जसवंत सिंह, अचल सिंह और अमर सिंह। अचल सिंह जो था वो बचपन में ही मर गया था, ठीक है, तो जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या हुआ, गज सिंह। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी का राज्याभिषेक
तब वह किस दुर्ग में हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1640 रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी 1674 रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी 1674 सिंहगढ़, और ऑप्शन नंबर डी में है 1646 सिंहगढ़। क्वेश्चन में पूछा गया है शिवाजी का राज्याभिषेक कब व किस दुर्ग में हुआ? राइट आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए मैंने बताया था शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में अप्रैल 1627 में हुआ था, ठीक है, और इसने अपने पिता से सर्वप्रथम पूना की जागीर प्राप्त की थी। 1646 में शिवाजी ने रायगढ़, तोरण और चाकण दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट आंसर है नहीं, क्योंकि 1640 में रायगढ़ दुर्ग को इसने जीता था, ठीक है। 1674 में शिवाजी का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ था, और हुआ कौन से दुर्ग में था? रायगढ़ के दुर्ग में, ठीक है। रायगढ़ दुर्ग जीता कब था? 1640 में, लेकिन रायगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? ऑप्शन नंबर ए 1640, बी 1674, सी 1664 और डी में है 1670। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1640 या 1674 या 1664 या 1670। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा ये पूछा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया 1640 में तो शिवाजी ने तीन दुर्गों पर अधिकार किया था, रायगढ़, चाकण और तोरण दुर्ग, तो ये आंसर नहीं है। 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ था, यह भी आंसर नहीं है। 1664 में शासका को मारने के बाद में शिवाजी ने मुगलों के अधीन और इस सूरत को लूटा था, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस सूरत को लूटने के बाद ही शिवाजी और जयसिंह के मध्य में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर डी है 1670, इसमें क्या बताया कि शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? 1646 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपका टेस्ट हुआ, और अगली क्लास में यानी कि मंडे को आपको विजयनगर साम्राज्य और वेहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इस टेस्ट से कि हमारी पढ़ाई है वो कितनी आगे चल रही है, ठीक है ना, यानी कि किसके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपने आने वाले और भी जो दोस्त हैं जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में पता नहीं है वो भी जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें, ठीक है। धन्यवाद।